हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम डीएफ और कार्मिक वाली रीडिंग। देखते हैं डीएम डीएफ के लिए क्या फील कर रहे हैं, कार्मिक के लिए क्या फील कर रहे हैं, और क्या कहना चाहते हैं डीएफ से, क्या कहना चाहते हैं कार्मिक से। रोमांस एंजल्स निकालेंगे, एनर्जीज चेकअप करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होता है गाइज आज की रीडिंग में। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को। प्लस अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, रेकी हीलिंग्स लेना चाहते हैं या क्रिस्टल्स खरीदना चाहते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं क्रिस्टल्स सजेस्ट भी करती हूँ और जो है मैं क्रिस्टल्स आपको गाइड भी कर दूँगी कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। प्लस मैं आप में से ले भी सकते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस। तो चलिए गाइज स्टार्ट कर देते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन से, और क्या कहना चाहते हैं, क्या फील कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के। काफ़ी कार्ड्स मिक्स करके देखेंगे गाइज, और क्या गाइडेंस है अगर कोई गाइडेंस निकल के आना चाहता है तो। एंजल मैसेजेस लेंगे हमारे लिए गाइज, तो देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है आज की रीडिंग में। तो चलिए गाइज देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, सोच रहे हैं पहले क्या सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन हमारे बारे में। सबसे पहले हमारे डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। ओके गाइस, तो ये रहा हमारे लिए कार्ड्स। ओके, और क्या सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक के बारे में, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। अगेन गाइस, ये टाइमलेस रहेगा, जब आप देखोगे तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहेगा। कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है गाइस ये। अगेन टॉप कार्ड्स, टॉप के तीन कार्ड्स मैं कार्मिक के लिए निकाल दे रही हूँ जो निकलना चाहते थे। अभी गाइज मैं रूनस भी लूँगी फॉर व्हाट आर दे, मतलब थिंकिंग में लेना चाहिए था, लेकिन आई एम गाइडेड कि मैं रूनस भी यूज़ करूँ, तो मैं फीलिंग्स के लिए रूनस यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी रफ हो चुके हैं डिवाइन मैस्कुलिन के फीलिंग्स, काफ़ी हर्ट हो चुके हैं डिवाइन मैस्कुलिन। तो देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील कर रहे हैं कार्मिक के लिए पहले, सबसे पहले क्योंकि रूनस है, तो देखते हैं कि कार्मिक के लिए सबसे पहले डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील कर रहे हैं। एंड क्या फील कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए, वो देखने की कोशिश करेंगे। डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या फील कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, और भी एक कार्ड निकलना चाहता है तो वो भी ले लेते हैं। ओके गाइस, तो ये हो गया थिंकिंग फीलिंग। अब देखेंगे गाइस हम कि क्या एनर्जीज है डिवाइन मैस्कुलिन के टूवर्ड्स, क्या एक्शन लेंगे। आई एम गाइडेड कि एक्शन पूछूं मैं, और क्या एक्शन लेंगे डिवाइन फेमिनिन की तरफ। कम्युनिकेशन दिख रहा है गाइस मुझे, और ये कार्ड्स निकले फेमिनिन के लिए, क्या एक्शन लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक्स की तरफ। ओके गाइस, और फेमिनिन में ही लेंगे गाइस थोड़ा सा एंजल गाइडेंस। तो मेरे जो एंजल कार्ड्स है एंजल पावर मैसेजेस, तो उसमें से डिवाइन फेमिनिन के लिए हम निकालना चाहेंगे कुछ गाइडेंस की क्या करना चाहिए डिवाइन फेमिनिन को इस सिचुएशन में। तो चलिए गाइस देखते हैं कि एंजल पावर मैसेजेस में से क्या निकल के आता है गाइडेंस। ओके, तो दो कार्ड, तीन कार्ड्स निकल के आए हैं, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। देखते हैं और कुछ अगर हमको बताया जाता है तो हम बाद में देख लेंगे। तो ये रहा कार्मिक्स की रीडिंग और ये रहा डिवाइन फेमिनिन्स की रीडिंग। मैसेजेस हम डिवाइन फेमिनिन्स के लिए लेंगे, कार्मिक्स के लिए लेना ज़रूरी नहीं है आई गेस। तो सबसे पहले मैं कुछ कुछ कार्ड्स रख लेती हूँ और कुछ कुछ साइड में कर देती हूँ। रिवर्सल्स नहीं करने वाले हम अपनी रीडिंग्स में वैसे भी, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। चाहे कैसे भी कार्ड्स आए तो रिवर्सल्स तो मैं करने वाली नहीं हूँ। हम लोग आई एम नॉट गाइडेड कि अब हम इस चैनल पे कभी भी रिवर्सल्स को करें। अभी हम हमेशा सिर्फ पॉजिटिव रीडिंग्स ही करेंगे। नहीं बात कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनिन से बिल्कुल भी। ओके गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं, अपने आप को सही तरीके से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। हर्मिट मोड ने डिवाइन मैस्कुलिन्स को कहीं ना कहीं ये महसूस कराया कि जो डिवाइन फेमिनिन्स है कि वो मेडिटेट कर रही है,
अपनी न्यू लाइफ शुरू कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, तो आप लोग बिल्कुल भी बात में नहीं हो, आप लोग आइसोलेशन में हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिवाइन फेमिनिन अपने फैमिली का ख्याल रख रही है, मेडिटेशन कर रही है, टेन ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल अबंडेंस है डिवाइन फेमिनिन के पास, लोगों की हेल्प कर रही है, केयर कर रही है, यही फील कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स डिवाइन फेमिनिन्स के बारे में। हीलिंग हो रही है डिवाइन फेमिनिन्स की, और डिवाइन फेमिनिन्स के जो फियर्स थे वो जा चुके हैं, गायब हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, और डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन में आ गई है, कहीं ना कहीं हैप्पी फैमिली है, शी नो लॉन्गर टाइड अप, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद ये भी हो सकता है कि डिवाइन फेमिनिन्स मैस्कुलिन्स को अपने फीलिंग्स बता ही नहीं रही है, तो इस वजह से डिवाइन मैस्कुलिन्स को ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की डिवाइन फेमिनिन्स बहुत फ्री हो गई है और बहुत पैसे कमा रही है, लोगों की हेल्प कर रही है, खुद की हीलिंग कर रही है, उन ये तक सोच डाला उन्होंने कि डिवाइन फेमिनिन को कोई और मिल चुका है, कि डिवाइन फेमिनिन जो है लव में है किसी और के साथ, और डिवाइन फेमिनिन जो है उनकी हैप्पी फैमिली चल रही है। गाइस इससे ट्रिगर मत होइएगा, ये उनका ट्रिगर है, आपको मिरर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लाइफ को शांति से जिए, खुशी से जिए, वो चाहे जो भी फील करे वो बंधे हुए फील कर रहे गाइस, इस वजह से उनको लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन को कोई और मिल चुका है और वो बेबस हो चुके हैं टोटली। ये भी लग रहा है कि फीलिंग्स में कि डिवाइन मैस्कुलिन को एक्शन लेना चाहिए, उनको जो है फील हो रहा है कि डिवाइन फेमिनिन बहुत तेज़ जा रही है, बहुत आगे निकल चुकी है उनके, कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी तरफ जर्नी करके आना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्ड है एक मिनट गाइस, ये एवास का कार्ड है, स्ट्रेंथ एबिलिटी ट्रस्ट वर्दीनेस, तो उनको ये लग रहा है कि उनको बहुत आगे बढ़ना चाहिए और ये सब, और इनर यूनियन करना चाहिए, दगाज है यहाँ पे गाइस, तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि देखिए गाइस यहाँ पे भी एक्शन का कार्ड है, एक्शन का कार्ड फिर से आया हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो उनको लग रहा है कि डिवाइन फेमिनिन से उनको बात करनी चाहिए, वो आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आप बहुत थिंकिंग वुमेन और बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हो, तो यही सोच रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि आपसे बात करें, आपकी तरफ एक्शन ले, वरना आप तो गए। ठीक है गाइस, तो ये बहुत गलत फीलिंग्स आ रही है, उनको डर लग रहा है डिवाइन मैस्कुलिन को, डिवाइन फेमिनिन उनको छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन मतलब इस्टैब्लिश हो चुकी है यहाँ पर, ये देखने की कोशिश कर रही हूँ मैं। चलिए गाइस देखते हैं कि ये नहीं सब डिवाइन फेमिनिन की गाइडेंस देखते हैं, फिर देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन क्या कहना चाहते हैं आपसे। इंटिमेसी, बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग इन टच विथ योर इमोशंस एंड डीपर डिजायर फॉर डीपर कनेक्शन, तो आपको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन मैस्कुलिन को, कहूँगी मैं कि मतलब उनको चाहिए ये कनेक्शन, उनको इंटिमेसी की ज़रूरत है और उनको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको हायर वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये गाइडेंस जो है डिवाइन मैस्कुलिन को मिल रही है, और जो है उनको ये गोल जो है लाइफ में, उन्होंने जो आप उनके लाइफ की है कंप्लीशन, अपने लाइफ की जो जिसके लिए वो यहाँ पे आए थे, तो इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, तो वो उस चीज़ की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और जो है यही सब जो है डिवाइन मैस्कुलिन को पता चल रहा है और फील हो रहा है यहाँ पे। चलिए गाइस देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं ये डिवाइन फेमिनिन से, ये भी देख लेंगे गाइस आज की रीडिंग में। थोड़ा इन डिटेल रीडिंग है, बट आई थॉट द थॉट ऑफ यू बीइंग विद समवन एल्स मेक्स मी जेलस एंड पैशनेट फॉर यू, तो मैंने कहा ना यहाँ तक सोच डाला उन्होंने कि आप किसी और के साथ हो, और शायद ये भी सोचा है कि आपको लग रहा है कि आपको कनेक्शन की ज़रूरत है, तो आप आगे बढ़ रहे हो और अपने हायर वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो डर चुके हैं वो बिल्कुल ही, एक्शन 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 आ रहा है उनके दिमाग में। आई लव इट व्हेन यू कॉल मी नेम्स, योर वॉइस रिंग्स इन माय ईयर्स, तो अभी अगर आपने उनसे लास्ट बात की होगी तो आपने उनका नाम वाम अगर लिया होगा तो उनको वही आपकी बातें, आपकी आवाज़ जो है उनके कानों में उनको बार बार सुनाई देती है, तो
शायद अगर आपने उनको ये भी कहा कि लास्ट कॉन्वर्सेशन में कि आपको कोई और मिल चुका है या आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये भी उनको जेलिस कर रहा है और ये बातें उनके दिमाग से जा नहीं रही है और वो मतलब आपको चूज करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं. स्वीट हार्ट, द यू आर द ओनली वन दैट मैटर्स टू मी, कह रहे हैं कि मतलब अगर तुम ही चली गई तो मतलब क्या होगा मेरी लाइफ का, वही सोच रहे हैं वो. और व्हेन आई एम अवे आई एम प्रैक्टिकली प्लानिंग आवर फ्यूचर टुगेदर, तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि मतलब अब उनको समझ में आ रहा है कि ये जो है अगर आप किसी और के साथ चली जाएंगी तो ये उनको नहीं चलेगा और ये जो है उनके लाइफ को बहुत बड़ा शॉक देगा और ये जो है एक सोल कनेक्शन है. अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनके कानों में आपकी आवाज़ गूंज रही कि आपको शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर रहे हो, तो ये सब जो है उनको जेलस और पैशनेट एट द सेम टाइम बना रहा है. तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स है गाइज. मैं कहूँगी डिवाइन फेमिनिन के लिए देखिए वेरी सून आपके पास आएंगे एक्शन लेने के लिए. ये भी एक शॉकिंग चीज़ है जो आई है यहाँ पर. अभी गाइस क्या करने वाले हम, इसकी कार्मिक का देखने वाले कि कार्मिक के लिए क्या निकल के आया है. ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी. मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. कार्मिक के लिए वो सोच रहे हैं कि मेडिटेशन ही करना बेटर है, मतलब अपने आप पे फोकस करो. 11-11 दिखाई दे रहा है, दूर बैठे रहो, मेडिटेशन करें, बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं उनकी तरफ. मुझे ये भी लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कार्मिक उनसे दूर भागना चाह रही है या उनको अटैक कर रही है हर बात पे, तो वो उन टारगेट पे है कार्मिक के, इसीलिए या तो कार्मिक उनको बहुत ही ज़्यादा पोसेसिव बिहेवियर दिखा रही है, मतलब दिखा रही है कि हु इज़ इन पावर हियर. तो ये चीज़ें जो है उनको अच्छी नहीं लग रही है गाइस. यही सोच रहे हैं वो कार्मिक के बारे में कि कार्मिक उनको रूल करना चाहती है, कार्मिक को लगता है कि वो ही मतलब लायक है, उससे बेटर के लायक है कार्मिक. और यही सोचते हैं वो कि कार्मिक उनको शो डाउन करना चाहती है. फाइव ऑफ सॉर्ड्स उनको मतलब उनको लगता है कि कार्मिक बहुत टॉक्सिक है, उनके हार्ट और माइंड को अफेक्ट करती है और कार्मिक बहुत सेल्फिश है. ठीक है गाइस, कार्मिक जो है उनको फील होता है, सोच रहे हैं कि कार्मिक सिर्फ स्पिल्ड मिल्क पे रोती रहती है, जो है नहीं सिर्फ उसी पे ट्रिगर करती रहती है गाइस. और ये भी सोचती है कि सोच रहे हैं कि कार्मिक्स जो है उनको डराना चाहते हैं. ये भी है गाइस कि उन्होंने उनको मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कार्मिक्स अगर प्रेग्नेंट है, ये है वो है, तो उनको धमकियां भी मिल रही है, ये भी सोचते हैं वो. और ये भी सोचते हैं कि उनको अपनी इंट्यूशन के बारे में, उनका इंट्यूशन जो है उनके बारे में बहुत गलत निकला और कार्मिक जो है बहुत गलत निकली उनके लिए. लेकिन उनको ऐसा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिनट गाइस, उनको ऐसा भी लग रहा है कि ये होना मेरे साथ डेस्टिन्ड था, ये सब मेरे साथ गलत होना चाहिए ही था ताकि मैं रियलाइज कर सकूँ कि जो है उनको फील हो रहा है द सन और एवास टू हॉर्सेस चेंज. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि मतलब इन्होंने जो देख कर के कार्मिक को चूज़ किया था कि वो एंजल ऑफ लव है और जो फीलिंग्स है उनके लिए वो सब धोखा थी, उनको धोखा मिला है. उन्होंने वो कंट्रोलिंग वुमेन है और उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है. अगर हम फीलिंग्स की अगर वो एक्शन की बात करें, यहाँ पे मुझे ये याद आया कि ये एक्शन कार्ड्स थे, फीलिंग्स की तरह ही इसको रीड कर डाला मैंने. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन स्ट्रेंथ ले रहे हैं कि कार्मिक्स को छोड़ दे और जो है उनको ऐसा लग रहा है कि उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, बट वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं तो वो कार्मिक्स को नहीं, वो स्ट्रैटर्जी कर रहे हैं. अगर वो कार्मिक के तरफ क्या एक्शन ले रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि कार्मिक्स किसी और से प्यार करती है. कहीं ना कहीं उनको ये पता चल चुका है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उन्होंने जो उनको एंजल ऑफ लव समझ के चूज़ किया था वो बिल्कुल भी सही नहीं है. तो उनके साथ वो जो फीलिंग्स थे अब हार्ट ब्रोकन में चेंज हो चुके हैं और एक्शन क्या लेने वाले गाइस, स्ट्रैटर्जी बना के उनको दूर करेंगे, क्योंकि कम्युनिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखती है आपके कनेक्शन में. तो सोसाइटी के वजह से आपके साथ में, उनके साथ में थे वो,
तो अभी वो डोर टू स्पिरिट फ्रीनेस चूज करना चाहते हैं स्टार्टर, अगर कोई एक्शन लेंगे तो 2021 में, तो इसको अलग करने का एक्शन लेंगे गाइस कार्मिक की तरफ। तो लेट्स सी गाइस, मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि वर्क योर लाइट ओरेकल डेक से देखें कि डिवाइन हमको क्या कहना चाहता है इस कनेक्शन डीएम और कार्मिक के कनेक्शन के बारे में। बर्थिंग अ न्यू एज गाइस, इससे ज़्यादा आप क्या ही कर सकते हो, मैं यही आपको अवेकनिंग डिवाइन मैस्कुलिन को जो है ये अवेकनिंग मिल चुकी है कि इनको एक न्यू एरा न्यू एज में जाना ज़रूरी है एंड दे आर नॉट अलोन एंड जो है कीपर्स ऑफ द अर्थ है वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन उनके साथ है, ये उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिल रही है और उनको ये भी पता चल रहा है कि एंसिस्टर्स उनके साथ हैं और एंसिस्टर्स उनको गाइड कर रहे हैं कि यहाँ से निकलो। उनको अवेकनिंग दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि ये सब तुम्हारे पर्पस को सर्व नहीं करता। ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग, यही बताना चाह रहे हैं हमको। तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपना न्यू वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए गाइज, आज हम इस रीडिंग को यही ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।